ट्रैवल गाइड के तमाम अज़ीज़ नाज़रीन को हमारी एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको सैर कराएंगे जनूब वस्ती एशिया के वस्त में वाकई एक मुल्क अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के बारे में जब भी बात की जाती है तो कई अरसे से हालत जंग में रहने, दहशतगर्दी, अमरीकी फौज और इसके साथ जुड़ी तमाम अफवाह जिन्हें नेटो भी कहा जाता है, उनको नाकू चने चुभवाने की याद आती है। अफगानिस्तान पर किसी एक ताकत ने नहीं बल्कि कई बड़ी ताकतों ने बार बार अफगानिस्तान को जेर करने की कोशिश की, लेकिन हर बार हर ताकत को मायूस होकर लौटना पड़ा। अफगानिस्तान के मुट्ठी भर मुजाहिदीन दुनिया की ताकतवर अफवाज के सामने डट कर खड़े रहे और बड़ी बड़ी फौजों को मुंह के बल गिराते रहे। यही वजह है कि एक तवील अरसे की खाना जंगी के बाद भी अफगानिस्तान के मुजाहिदीन ने किसी को भी अफगानिस्तान पर कब्जा ना करने दिया। लेकिन अब ये बात कहना बिल्कुल बेजा ना होगा कि अमेरिका और उसके अतादी फौज अब अफगानिस्तान से हार मानकर भागना चाहती है, लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान में ऐसा फंस चुका है कि अब वो इतनी जल्दी अफगानिस्तान से ना तो जान छुड़ा सकता है और ना ही अफगानिस्तान से भाग सकता है। दोस्तों, अफगानिस्तान वस्ती एशिया में मौजूद खुश्की और पहाड़ों से घिरा हुआ एक आज़ाद मुल्क है जिसका मुकम्मल और सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान है। अगर अफगानिस्तान के रकबे की बात की जाए तो अफगानिस्तान का कुल रकबा 6,52,860 मरबा किलोमीटर है और रकबे के अतबार से अफगानिस्तान दुनिया में 40वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। दोस्तों, अगर अफगानिस्तान की सरहदों की बात की जाए तो अफगानिस्तान की सरहद मशरक और जनूब में पाकिस्तान के साथ, मगरब में ईरान के साथ, शुमाल में तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ, जबकि शुमाल मशरक में चीन के साथ मुंसलिक है। अफगानिस्तान की कुल आबादी 3,71,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से अफगानिस्तान दुनिया में 39वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अफगानिस्तान का मतलब लैंड ऑफ अफगान है, यानी कि अफगानियों की सरजमीन। अफगानिस्तान पर रोमियों, यूनानियों, अरबों, तुर्कों, मंगोलों, अमरीकियों और बरतानियों ने कब्जा किए रखा। 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान में आए और 1919 में शाह अमान की सरपरस्ती में अफगानियों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की, लेकिन अफगानियों ने आज़ादी हासिल करने के बाद भी एक भी दिन सुकून से नहीं गुजारा क्योंकि दूसरे मुल्कों की मनमानियों ने अफगानिस्तान की आज़ादी को आज़ादी न रहने दिया। कभी रूस और कभी अमेरिका अपनी फौज अफगानियों के लिए इस्तेमाल करता, लेकिन दुनिया ने देखा कि कैसे ये दोनों सुपर पावर जलील होकर अफगानिस्तान से निकली। अफगानिस्तान का शुमार दुनिया के गरीब मुल्कों में होता है जिसकी बड़ी वजह अफगानिस्तान में तवील अरसे से जारी खाना जंगी है। जिस मुल्क में जंग हो वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है और कौन उस मुल्क में इन्वेस्ट कर सकता है, और ना ही उस मुल्क की सैर करने को कोई आ सकता है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की इकॉनमी काफ़ी अरसे से कमज़ोर है। अफगानिस्तान की GDP 72.9 बिलियन $ है। GDP के हवाले से अफगानिस्तान दुनिया में 96वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। अफगानिस्तान की फीकस आमदनी $2,000 है। अफगानिस्तान की ज़्यादातर आमदनी का जरिया खेती है। यहाँ अफीम की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा की जाती है और 80 से 90% अफीम यूरोप में इसी मुल्क से जाती है। अफगानिस्तान के लोग नाश्ते में मीठा बहुत पसंद करते हैं। यही वजह है कि वहाँ के लोगों में दूध और जलेबी का नाश्ता सबसे ज़्यादा मकबूल है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि दुनिया के तमाम तर ममालिक 1 जनवरी को न्यू ईयर बनाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान 23 मार्च को फर्स्ट ईयर की खुशियां बनाता है। यहाँ के लोग शेर व शायरी में काफ़ी महारत रखते हैं। अफगानिस्तान के 90% लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ आज भी बिजली न होने के बराबर है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल लोगों में स्टेटस को ज़ाहिर करता है और यहाँ लोगों का ये मानना है कि जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो बड़ा आदमी है। यही वजह है कि यहाँ लोगों में मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अफगानिस्तान में आज भी एजुकेशन की कमी है और इसी वजह से 15 साल से भी कम उम्र में कई लोगों की शादियाँ हो जाती हैं। यहाँ तालीम की शरह सिर्फ 28% है। अफगानिस्तान का कौमी खेल बुजकुशी है। बुजकुशी को ख़तरनाक खेल माना जाता है क्योंकि एक मुर्दा बकरी को घोड़ों पर बैठे कुछ लोग एक दूसरे से छीनते हैं
ये काफ़ी रिस्की खेल है, लेकिन अफगानी लोग इस खेल को बहुत पसंद करते हैं और अफगानिस्तान में ये खेल बहुत ज़्यादा मकबूल है। अफगानिस्तान के लोगों में दो तरह की जुबानें बोली जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अफगानी पश्तून कौम से हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अफगानी तुर्कश कौम का हिस्सा हैं, इसलिए यहाँ पर फारसी और पश्तो दोनों जुबानें बोली जाती हैं। अफगानिस्तान की आबादी में 99% लोग मुस्लिम हैं और 1% हिंदू और ईसाई लोग रहते हैं। अफगानिस्तान के लोगों को अफगान के नाम से जाना जाता है और अफगानिस्तान की करेंसी को अफगानी कहा जाता है। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर काबुल है। काबुल की शाम बहुत ही अच्छी होती है। जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए काबुल शहर जन्नत है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक अफगानी ट्रेडिशनल खाने मिलेंगे। अफगानिस्तान पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा खबरों में रहने वाला मुल्क है, लेकिन जब भी अफगानिस्तान खबरों में आया तब किसी धमाके या दहशतगर्दी की वजह से ही आया। यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिसने पूरी तरह अफगानिस्तान को तोड़ कर रख दिया। अफगानिस्तान के हर घर में आपको एक हॉलीवुड स्टार की फ़ोटो देखने को ज़रूर मिलेगी और इनका नाम अर्नोल्ड स्वाश्नेगर है। यहाँ के जितने भी यंग लोग हैं वो इनके दीवाने हैं। कहा जाता है कि यहाँ हर नौजवान के दिल में ये बसते हैं और आपको यहाँ हर घर में हर दीवार पर इनकी तस्वीर ज़रूर मिल जाएगी। अफगानिस्तान का शहर कंदार अपनी खूबसूरती की वजह से काफ़ी जाना पहचाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आपको पहाड़ों का एक ऐसा नज़ारा मिलेगा जिसे आप कभी भूल ही नहीं सकेंगे। कंदार एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अफगानिस्तान की नेशनल ब्यूटी का नज़ारा ले सकते हैं। अफगानिस्तान में एक ऐसी मस्जिद है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसका नाम मज़ार शरीफ है। ये मस्जिद कई साल पुरानी है, लेकिन इस मस्जिद की कारीगरी इस मस्जिद को काफ़ी खूबसूरत बनाती है। मस्जिद की ख़ास बात यह है कि ये कदीम होने की वजह से इसको ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि कई और मज़हब के लोग भी इस मस्जिद का नज़ारा देखने आते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अफगानिस्तान की ये सैर बहुत अच्छी लगी होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।